हैं आज की नई रिक्रूटमेंट की जो निकाली जा रही है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ में नई वैकेंसी आ चुकी है। सबसे पहले आपको दिखा दें, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आपको भरना है, कहां पर जमा कराना है, जी हाँ दोस्तों पूरी जानकारी देंगे। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नीचे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको सिंपली ईमेल के माध्यम से ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जमा कराना होगा, लेकिन उसको आपको भरना कैसे है और कौन से ईमेल आईडी पर आपको इसको भर के भेजना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका केवल यहां पर इंटरव्यू होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इंटरव्यू की जो डेट है, तिथि है, वो यहां पर मेंशन है 13 नवंबर 2020 को आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, डीआरडीओ की सीधी भर्ती में नौकरी पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों यहां पर फॉर्म फीस जो है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप भी फ्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन पर भी हम चर्चा करेंगे कि 10वीं है, 12वीं है या फिर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। 13 नवंबर को आपको सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी भी दिया गया है, जूम करके आपको बताते हैं, ये रहा ईमेल आईडी, ठीक है, head.hrd@dfrl.drdo.in, ठीक है। यहां पर आपको मेल करना होगा, आपको फॉर्म भर के आपको जो भी जरूरी दस्तावेज है, आपका बायोडाटा जो है कंप्लीट करके आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है, 14 अक्टूबर 2020 तक आप जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहां
यहां पर एड्रेस भी मेंशन किया गया है, आप इससे पिन कोड के साथ यहां पर एड्रेस भी मेंशन किया गया है और यहां पर किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है पूरी जानकारी यहां पर है, एज लिमिट के बारे में पूरी जानकारी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म है, अब आपको करना क्या होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप टिक मार्क कर दीजिए और यहां पर पिताजी का नाम डाल दीजिए, नेशनलिटी डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और ध्यान रखिए यहां पर आपको आपकी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, आपकी यहां पर डेट ऑफ बर्थ क्या होगी और आप जो है 30 सितंबर 2020 तक आपकी उम्र कितनी है, सन लिखना है, मंथ लिखना है और डे लिखना है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर आपको राइट मार्क करना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है जहां पर आपको पत्राचार किया जा सके, आपके घर पर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भेजना हो तो डीआरडीओ के डिपार्टमेंट से आपके पास में जो एड्रेस जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो आपके यही एड्रेस पर आएंगे जो आप यहां पर डालेंगे, ठीक है, आपको वही एड्रेस यहां पर देना है, ठीक है, जहां पर अभी आप प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वो डालनी है जैसा कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास है वो सारी की सारी डाल दीजिएगा, यहां पर कम से कम 10वीं जरूर डालिएगा क्योंकि 10वीं में आपकी जो भी एज प्रूफ होती है डॉक्यूमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो 10वीं से शुरू होती है, उसके बाद आप जो भी मैक्सिमम है आपके पास वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अभी आप कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कब से कब तक काम कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है, आपके सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर डेट डाल के आपको ये फॉर्म को सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्म को अच्छे से नहीं भरा, कोई भी कमी छोड़ते हैं आप, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म के अलावा दो फॉर्म नहीं भेजने हैं, आपको एक ही फॉर्म भेजना होगा, ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा के लिए करें या फिर ग्रेजुएट के लिए करें, ठीक है, तो आपको एक ही फॉर्म भेजना होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान जरूर रखिएगा इन सभी बातों का, ठीक है। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए थी आज की नई वैकेंसी, अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और